हाय एंड वेलकम बैक टू दी चैनल के साथ सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक के बारे में, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है। इसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि ये जो टेक्स्ट या फिर जो कुछ भी हम लोग आके टाइप करते हैं अपने फ़ोन में, उसे ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ये भेज देता है दूसरी जगह। अब हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप अगर इस वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पे न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि टिकटॉक जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है, वो आपके जो टेक्स्ट आप जो लिखते हो, आप मान के चले आप आके अपने फ़ोन से किसी को ईमेल करते हो या फिर आपका जो पासवर्ड है आप आके टाइप करते हो अपने फ़ोन में, तो ये क्या करते हैं कि आपका जो कोई भी डिटेल है, सेंसिटिव डेटा से लेके नॉन सेंसिटिव डेटा, सब कुछ अपना जो उठा के अपने चाइनीज़ जो डेटा सेंटर है वहाँ पे डाल रहे हैं। आपको पता होगा कि अप्रैल में इसके ऊपर एक कार्रवाई हुआ था, जहाँ पे इसने कहा था कि हम लोग इसे स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको पता होगा गाइस, आईफोन जो कि एप्पल ब्रांड है, जो कि आके आईफोन 14 लॉन्च करने वाले हैं iOS, तो यहाँ पे लोग आके टेस्ट करते हुए ये पकड़ा गया है कि जो टिकटॉक ब्रांड है वो लोग आके यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा को कॉपी कर लेते हैं अपने क्लिकबोर्ड में और ऑटोमेटिकली इसे सेंड कर देते हैं बिना आपके जानकारी कि ये कहाँ पर जा रहे। ओके, तो ये निकल के आ रहा है, एक स्पाइकवेयर की तरह काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि स्पाइकवेयर क्या होता है, स्पाई करने जैसा, आप अगर पासवर्ड या फिर OTP जो कुछ भी आपका निकल के आता है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपके फ़ोन से लेके डायरेक्टली चाइनीज़ जो डेटा सेंटर है वहाँ पे जाके इसे रेडी किया जाता है। यहाँ पे लोग चेक करते हैं आपका डेटा सब कुछ। ये गारंटी नहीं है कि या कि चाइनीज़ ही चाइना को ही भेज रहा है या फिर कहीं और दूसरे जगह पे, लेकिन ये आपका डेटा को ज़रूर बाहर निकाल के भेज रहा है। या कि एप्पल ने पहले भी आके रिपोर्ट किया था कि ये लोग आके कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारा कार्रवाई चला था और इन्होंने गारंटी दिया था कि हम लोग आके अप्रैल महीने के अंदर ही पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन ये लोगों ने अभी तक इसे सॉर्ट आउट नहीं किया है। और एप्पल जो iOS 14 टेस्ट कर रहा था, उस मोबाइल के अंदर पाया गया है कि टिकटॉक आके उसका डेटा को बाहर भेज रहा है। तो ऐसे पता चला है कि टिकटॉक जो चाइनीस एप्लीकेशन है, वो लोग आके आपका पर्सनल डेटा भी चुरा रहा है यहाँ पे। इंडिया में आपको पता ही है कि टिकटॉक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और लोग अभी भी टिकटॉक पे है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके साथ खतरा ये निकल के आता है कि आपका जो प्राइवेसी नाम का चीज़ है उसे आके कैंसिल कर देता है, ये पूरा का पूरा ओपन कर देता है आपका डेटा को। लेकिन यहाँ पे पब्लिकली नहीं, लेकिन कंपनी के तौर पर देखा गया तो आपका जो डेटा है उसे पूरा का पूरा ये कर यूज़ कराया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे आके टिकटॉक आपका डेटा यूज़ कर रहे और कैसे हमें पता चला है कि ये कैसे काम करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।